मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी अगर आपको पासवर्ड टाइप करना होता है तो आप ये कीबोर्ड का मदद से आप कुछ पासवर्ड टाइप करते हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि ये कीबोर्ड का बटन, जितने भी बटन है, आप पासवर्ड जो भी लगाएं, अगर आपका कीबोर्ड का बटन जो है वो काम करना बंद कर दिया है, तब आप कीबोर्ड में, आप यानी बिना कीबोर्ड के मदद से, यानी कि आप एक माउस की मदद से, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं माउस है, ये भी ऑन भी नहीं है, तो माउस की मदद से आप कैसे पासवर्ड लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, यानी कि बिना, अगर हमको, जैसे अगर मेरा कीबोर्ड काम नहीं भी कर रहा है उसके बावजूद भी, सबसे पहले ये हमारे पास एक लैपटॉप है जिसका ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि हम बिना कीबोर्ड के मदद लिए हुए हम माउस की मदद से हम कैसे पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके लेकर सबसे पहले हम लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। इसमें पावर बटन यहाँ पे दिया हुआ है, पावर बटन पे क्लिक किया और उसके बाद फिर ये प्रोसेस हो रहा है थोड़ा सा। इसी प्रोसेस को बूटिंग भी कहा जाता है, ये बात भी आप जान लीजिए। प्रोसेस होने के बाद देखिए ये हमारा जो सिस्टम है इसका कुछ एक लुक आया है यहाँ पर से, इस तरह का। अब हम यहाँ पर से जब हम क्लिक करते हैं, माउस काम कर रहा है, तो माउस काम कर रहा है तो, और हम आपको कीबोर्ड पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे हम टच भी नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर से आपको पासवर्ड टाइप करने के लिए आपको बताएंगे कि कैसे आप पासवर्ड को इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी ही है, आप इसे अब ध्यान से देखिए। देखिएगा इसमें एक कॉर्नर में ना यहाँ पे छोटा सा एक बटन रहता है, यहाँ पर से आपको आप कभी कई बहुत सारा सिस्टम में राइट साइड इसमें दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ सिस्टम में जैसे विंडो 7 रहेगा तो उसमें लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है विंडो 10 है और इसमें हमको देख सकते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है और वाईफाई कनेक्ट है मेरा, इसलिए वाईफाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर से इजी ऑफ एक्सेस का एक बटन है, आप इसे और आपको करीब ला के इसे आपको दिखा देते हैं। इजी ऑफ एक्सेस का एक यहाँ पे बटन मिलेगा, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो इजी ऑफ एक्सेस बटन पे आपको देखिएगा बहुत तरह तरह का इसके अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी में आप देखिएगा एक यहाँ पर से दिया हुआ फीचर जिसका नाम है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या नाम है? तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इसका नाम है। अब हमको इस पर क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। तो जैसे इसी पे इस पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में एक कीबोर्ड यहाँ पर से वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब होता है जो स्क्रीन पे आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमारा पासवर्ड जो है, हमारा लैपटॉप का पासवर्ड है, वो क्या है? तो वो है DAP, कैपिटल में है DAP। अब उसके लेकर हम ये कॉलम वाला, पासवर्ड वाला कॉलम पर क्लिक कर दिए और कैप्सलॉक यहाँ पर से देख सकते हैं, कैप्सलॉक पर कर देंगे तो सभी अल्फ़ाबेट क्या हो गया? कैपिटल हो गया। अब हम यहाँ पर डी प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम पी बटन प्रेस करेंगे। अगर आपको पासवर्ड चेक करना होगा कि हम सही डालें या गलत, तो आपको यहाँ पर से क्या करना है कि ये शो वाला पासवर्ड वाला ऑप्शन पर जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं DAP लिखा हुआ है। देन इसके आगे जो यहाँ पर से नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, बाय प्रोसेस होगा थोड़ा सा, और प्रोसेस होने के बाद फिर आपका ये कंप्यूटर क्या हो गया, या फिर कह सकते हैं मेरा लैपटॉप क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी कि बिना कीबोर्ड की मदद किए हुए, यानी बिना कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड डाल सकते हैं। और पासवर्ड डालने के लिए आपका वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल किए हैं, और कैसे किए हैं? इजी ऑफ एक्सेस बटन से किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा ADCA का क्लास आप हमारा कोचिंग में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वरेण्यम एजुकेशन, सेकेंड फ्लोर, आर्या कुमार रोड, नियर दिनकर गोलंबर, पटना 8,04। हमारा सारा एड्रेस या इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।